छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबर में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है, पुराने प्रेमी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड की हत्या। पीछा छुड़ाना चाहती थी गर्लफ्रेंड, इसलिए मिलने बुलाया और रॉड से वार कर मार डाला। रायगढ़ खरसिया मार्ग नेशनल हाईवे 49 पर शनिवार को मिली युवक की लाश के मामले में पुलिस ने उसकी प्रेमिका और दूसरे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने अपने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए पुराने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। युवक का शव नेशनल हाईवे के किनारे एक खेत में संदिग्ध हालत में मिला था। मामला जूट मिल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मनीष कुमार पंडा उर्फ पप्पू 35 वर्ष गरुमरिया का रहने वाला था। उसका शव NH-49 पर इमलीभोना रोड किनारे 1 जुलाई को खेत में मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उसकी शिनाख्त शिवम मोटर्स में कैशियर के पद पर काम करने वाले मनीष कुमार पंडा के रूप में हुई थी। पुलिस के शक की पुष्टि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कर दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने मृतक मनीष के ऑफिस और जान पहचान वालों से पूछताछ की। जांच में पुलिस को कबीर चौक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली सरिता पटेल से मनीष पंडा के प्रेम संबंध होने की जानकारी मिली। सरिता और मनीष दोनों एक साथ पहले काम करते थे। पुलिस ने सरिता को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो उसने 30 जून को मनीष पंडा से मिलने की बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसे CCTV फुटेज दिखाकर पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी युवती ने बताया कि शिवम मोटर्स में वो मनीष के साथ काम करती थी। इस दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। उनके प्रेम संबंध की जानकारी मनीष की पत्नी को हो गई, जिससे खूब विवाद हुआ। इधर मनीष उस पर भी पत्नी की तरह हक जताने लगा था, जिससे उसने उससे दूरी बनानी शुरू की, लेकिन वो मान नहीं रहा था। इसके बाद उसने अपने पुराने प्रेमी महेंद्र पटेल के साथ मिलकर युवक की हत्या का प्लान बनाया। 30 जून को युवती ने पहले मनीष को व्हाट्सएप कॉल कर अपने घर के पास कबीर चौक पर मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद उसके साथ बाइक पर बैठकर ट्रांसपोर्ट नगर नेशनल हाईवे 49 की ओर जाने लगी। इसके बाद सरिता और महेंद्र पटेल ने मिलकर कार में रखे जैक पाना और रॉड से मनीष के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद कार में शव रखकर उसे उसकी मोटरसाइकिल के पास लाकर छोड़ दिया। युवती के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने फरार आरोपी महेंद्र पटेल को ग्राम धनागर के पास गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के घर से घटना में इस्तेमाल कार, आरोपियों के पहने कपड़े जूते जब्त कर लिए गए हैं।